बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एक कदम एजे पर। मैडम साइन अप कदम है और मैं ट्रिपल आई टी तिरुचिरापल्ली का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आपको जेई मेंस की एग्जाम देने के बाद कौन कौन से आपके पास ऑप्शन है, किस कॉलेज में आप जा सकते हो, जब आप एडवांस दोगे आपको तो किस कॉलेज में आप जा सकते हो। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे यार जिनको जेई मेंस एग्जाम देने के बाद केवल और केवल एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज के बारे में ही पता होता है, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी उनके पास होते हैं लेकिन वो नहीं जाते क्योंकि उनको पता नहीं होता। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको जेई मेंस के मार्क्स पर आपको एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज के अलावा आपके पास कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि आपको लोअर एनआईटीज या फिर लोअर ट्रिपल आईटीज में जाने से बेहतर है यार इन कॉलेजेस में जाना चाहिए कॉलेज, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, इंडिया के टॉप कॉलेजेस में एक कॉलेजेस में आते हैं और एडवांस की भी इसी तरह से हम बात करेंगे। तो पहले हम शुरुआत करते हैं जेई मेंस एग्जाम देने के बाद जब अच्छा उनमें से पहला कॉलेज जो है यार ये DTU है। DTU बहुत अच्छा कॉलेज है यार। आपको अगर टॉप NITs की कॉलेज अगर 5 टॉप NITs या 6 NITs नहीं मिल रहे उसके बाद आप डायरेक्ट DTU को जा सकते हैं, क्योंकि DTU की रैंकिंग यार प्लेसमेंट और बाकी सब एरिया बातें जब अगर देखते हैं तो बहुत ज़्यादा। यदि आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन अगर DTU की चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब बात करते हैं यार नेक्स्ट कॉलेज की जो है यार बिट्स मेसरा, ये भी कॉलेज बहुत अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हो, आपको अगर कॉलेज मिल सकता है किसके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ज़रूर बताना। और अगर बेसिकली आपको अगर लोअर NITs अगर मिल रहे तो इन कॉलेजेस में आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अब बात करते हैं हम थर्ड कॉलेज को ऊपर लेके लेके आए जो कि LMN IIT जयपुर में है यार। ये भी कॉलेज बहुत अच्छा है, आप इस कॉलेज में भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन इस कॉलेज का एक ड्रॉबैक है यार, ड्रॉबैक नहीं कह सकता हूँ यार, किसी किसी को एक बात चुभती है या फिर उनको लगती है यार बहुत ज़्यादा है इस बात कॉलेज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो है यार कि इस कॉलेज का जो उसका फीस स्ट्रक्चर है बहुत ज़्यादा है, जो अगर नॉर्मल बच्चे जो होते हैं या फिर जिनको मिडिल क्लास फैमिली की फ़ीस उतनी ज़्यादा नहीं फीस भर सकते उनके लिए प्रॉब्लम ये हो सकता है, इसलिए यार बाकी चीज़ें तो बहुत अच्छी है इस कॉलेज के बारे में, लेकिन सिर्फ जो एक फ़ीस के बारे में बात जो है उन बच्चों को चुभती है। इसलिए यदि आपको अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए इस कॉलेज के बारे में भी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हो। आप बात करते हैं जो अपना फोर्थ कॉलेज है यार जो कि धीरूभाई अंबानी कॉलेज का जो है अपने गांधीनगर में यार। ये कॉलेज बेसिकली केवल और केवल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से डील करता है, तो आपको अगर IT सेक्टर या फिर इसमें अगर इंटरेस्ट है तो आप इस कॉलेज को भी आप प्रेफर कर सकते हो और आपको जरूर इस कॉलेज में जाना चाहिए यदि आप इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलता है। अगर बात करते हैं यार हमारे कॉलेज को नंबर जो फिफ्थ जो है यार ये भी कॉलेज अच्छा है यार, JIIT जो है यार नोएडा में है, UP में है, बहुत अच्छा कॉलेज है, इस कॉलेज में आप ट्राई कर सकते हो। बेसिकली अगर यार जेई मेंस के अंदर आपको अगर लोअर NITs और ट्रिपल IITs अगर मिल रहे हैं तो बिल्कुल उस कॉलेज में मत जाना, आपको ये कॉलेज आपको मैं सजेस्ट करूँगा, इन कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। यदि आप किसी भी कॉलेज के बारे में यदि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको कौन से कॉलेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसी तरह से हम बात करेंगे यार कि जेई एडवांस के बारे में बात करेंगे। जेई एडवांस में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं यार केवल जेई एडवांस में सिर्फ IITs के बारे में उनको पता होता है, बाकी कॉलेजेस के बारे में नहीं पता होता है, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं यार जेई एडमेंस में अच्छा कर लेते, जेई एडवांस में भी अच्छा कर लेते, लेकिन जेई जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं उसमें यार वो 75% क्राइटेरिया जो है, हालांकि इस बार नहीं है लेकिन हर साल होता था, लास्ट ईयर जो 2019 में था लेकिन 20 में और 21 में हालांकि वो निकाल दिया गया, हो सकता है जब 2022 में जब जाओगे तो क्राइटेरिया वापस लाया तो आपके लिए हो सकता है कि इस बच्चे को अच्छा करने के बावजूद अगर जेई बोर्ड में अगर अच्छे परसेंटेज नहीं है तो उनको नहीं उस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। तो जिनको एडमिशन नहीं मिलता तो बाकी ऑप्शंस भी उनके लिए खुल जाते हैं यार। और मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं यार जिनको IITs तो मिलते हैं लेकिन अगर न्यूली IITs अगर मिलते तो बच्चे नहीं लेते, तो इन कॉलेजेस के लिए वो ट्राई करते हैं। तो बात करेंगे जो पहला कॉलेज है यार जो कि IISc जो बैंगलोर है, इस कॉलेज के बारे में सभी जानते होंगे यार, ये बहुत अच्छा कॉलेज है। बात करूँ तो अच्छे ट्रिपल IITs के अच्छे IITs के बाद इस कॉलेज का नंबर आता है यार, ये इस कॉलेज में बच्चे जाते हैं। अब बात करते हैं अगले कॉलेज के बारे में जो IIST जो है यार, इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पेशल टेक्नोलॉजी, ये भी कॉलेज बहुत मस्त है यार। इसमें इस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपको डायरेक्ट इसरो में जॉब लग सकती है यार, आपके लिए एक प्लस पॉइंट है यार ये भी है कि आपके अंदर आपको आपकी जो जॉब होगी वो भी जॉब आपके लिए फिक्स रहेगी इस कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद। अब बात करते हैं यार जो थर्ड कॉलेज है और अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज है जो IISc ये कॉलेज है यार, इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि इस कॉलेज के जो ब्रांचेस है यार अलग अलग 7 सिटीज़ में है, जैसे हम बात कर सकते हैं पुणे में है, कोलकाता में है,
त्रिवंतमपुरम में है, तो 7 जगह पे इस कॉलेजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन है यार। यदि आपको उस कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर 7ों ब्रांच के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम बताएंगे आपको कि कौन सी ब्रांच आपके लिए बेस्ट है। मैं बता दूँ यार कि IISER जो है इनकी जो ब्रांचेस है पुरानी है, लेकिन एक बहरमपुर जो ब्रांच है इसकी न्यू है इस कॉलेज में, तो आपको उस ब्रांच में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए आप हम आपको बताएंगे। इसीलिए आप कमेंट बॉक्स में यदि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ज़रूर बताना। अब बात करते हैं यार जो अपना फोर्थ कॉलेज है यार, RJIPT है कॉलेज यार, कि इसके अंदर भी आप जा सकते हो, जो कि अपने यार रायबरेली में है, तो आप इस कॉलेज में भी आप प्रेफर कर सकते हो आपको यदि इंटरेस्ट है पेट्रोलियम में ज़्यादा। और ये इस इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में ये भी कॉलेज आता है यार, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। अब बात करते हैं यार फिफ्थ नंबर कॉलेज की, जो IIPA कॉलेज है ये भी यार ये, लेकिन ये इसके बारे में एक बात बता देना चाहता हूँ, ये कॉलेज बहुत ही न्यू है, तो इसके इस कॉलेज में जाने से पहले आप सोच सकते हो। लेकिन हालांकि आपको अगर लोअर IITs या फिर आपको बहुत ही लो IITs में अगर लोअर ब्रांच मिल रही है, तो आप इन कॉलेजेस में भी इस कॉलेज में भी ट्राई कर सकते हो। तो ओवरऑल कंक्लूजन ऐसा ही है कि JEE मेंस के अलावा भी और कॉलेजेस होते हैं, तो आपको ज़रूर उन कॉलेजेस के लिए ट्राई करना है। और अच्छे अच्छे कॉलेजेस है, और किसी भी कॉलेज के बारे में यदि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। और हमने एक न्यू सीरीज़ लॉन्च बहुत पहले कर चुके हैं यार, कि आपको IIITs के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी जा रही है, उसके अंदर जितने भी IIITs जो अच्छे अच्छे IIITs उनके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है। तो यदि आपको एडवांस के बेसिस के ऊपर भी देख सकते हो और आपको कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, और मेंस के बेसिस के ऊपर भी कौन कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, तो इन कॉलेज को आप ज़रूर ट्राई करना, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बस इस वीडियो में इतनी ही बातें करेंगे, तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए पॉइंट्स के साथ, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।